जी पता नहीं तुम व्यूवर्स में ऐसे देख रही वीडियो के साथ, ये वीडियो आपके फेस के मुताबिक है कि आपको गोरा चिकना बनने के लिए अब कोई रेमेडी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक रेमेडी इस्तेमाल करें और खूबसूरत बन जाए। ये है कॉफ़ी, हम लेंगे कॉफ़ी लेंगे और उसके बाद लेंगे हम बेसन, और बेसन के बाद लेंगे आटा। जो भी आप घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आटा, और उसके बाद लेंगे अदरक गुलाब और जो है लेमन जूस मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि आप भी करके रख सकते हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 से 3 चुटकी हम लेंगे कॉफ़ी के, और उसके बाद लेंगे बेसन का। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बेसन का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप फिर ना करें, है। तो जो ऑयली स्किन है और ड्राई स्किन है तो उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि ताकि आप जिनकी ड्राई स्किन है उनको भी कोई मसला ना हो, और जिनकी ऑयली है उनको भी कोई मसला ना हो। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम लेंगे बेसन का, और 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे आटे का, जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम लेंगे आटे को ला फिर रात में इतना लेंगे कि एक रिंकू बन जाए हमारी रेमेडी। और इसके बाद हम लेमन जूस इतना लेंगे, चंद कतरे लेंगे बस। अगर लेमन जूस अगर आपको सूट नहीं करता तो आप इसमें मिक्स ना करें, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लगाने के बाद अपने आराम से हल्का हल्का मसाज करते हुए इसे छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आराम आराम से आप जब इसे मसाज करेंगे तो मसाज के साथ साथ भी जो हमारे चेहरे पे मेल वगैरह होगी ना, एक वो उतर जाएगी। फिर आपने अपना फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसे जो हमारे चेहरे से, ये देखें मेरे चेहरे हाथों पे मतलब तो मेल वगैरह जो है ना वो इस तरह से उतर रही है, ये देखिए ये आपको नजर आ रही होगी। तो इस तरह से आपने करना है, अपने फेस पे आपने आराम आराम से जो चीज़ अगर बच भी जाए आपने हाथों पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथों को भी चिट्टा गोरा करना चाहिए, और उसके दलिक भी आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर खवातीन ये होती है कि अपने चेहरे को तो खूबसूरत बना लेती है फेशियल वगैरह, स्किन फंक्शन इसके अलावा बहुत से टोटके और क्रीमों के इस्तेमाल से गोरा बना लेती है, लेकिन अपने हाथों और पाँव को बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर लोग हाथों और पाँव को देखते हैं कि हाथों पाँव से पता चलता है कि ये खूबसूरत तो है लेकिन चिट्टी गोरी है ये, तो इसलिए फेस का इतना करना ज़रूरी है। क्योंकि आम दिनों में मतलब कि ज़्यादातर हम डेली तो मेकअप नहीं कर सकते ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रेमडी इस्तेमाल करें हाथों पाँव के लिए, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यकीन है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगी, पसंद रहे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।